Harris.com. लंबे बालों वाली बहू अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी, आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती, और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती, और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा, सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है, जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावली हो गई है क्या, तेरे बाल दूंगी, जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों। ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या, यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धोकर नहीं आई, अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी, अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा, और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है, पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं, मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझा कर कूड़े में फेंकने का इरादा है, जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं, अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को। तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है, और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, और वो दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझ कर दोनों घर वापस आते हैं, और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कम्प्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ
कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर है। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देख कर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की, घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? का मतबल है, कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूं तो। और अंजलि के इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं।